डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन फैक्ट्री इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शुद्ध जल की विशेषता, आखिर प्योर वाटर होता क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम सीखेंगे शुद्ध जल की विशेषता। शुद्ध जल की क्या क्या शर्तें होती है और इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, यह जानना बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअल में प्योर वाटर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और दूसरी कंडीशन यह है कि उस पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी पानी को उबाला जाता है नॉर्मल वायुमंडल पर, या फिर वातावरण का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो या एक वायुमंडल का दाब हो, तो अगर एक पात्र में किसी बर्तन में पानी को रखकर उबाला जाता है, अगर वह 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो वह पानी भी शुद्ध कहलाएगा। वह पानी भी क्या कहलाएगा? शुद्ध कहलाएगा। तो इसका जो क्वथनांक होता है सौ डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी शुद्ध है तो उसका अधिकतम घनत्व 0 डिग्री अगर पानी शुद्ध है तो उसका अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। जो कि 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है। शुद्ध जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम की होती है। क्या होती है? वाष्पन की 540 कैलोरी प्रति ग्राम की होती है और इसमें इसकी हिमांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगर आपको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और हिमांक की गुप्त ऊष्मा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके लिए अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। इसके बाद शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है। कमेंट के बेसिस पे मोलरता के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। इसके बाद शुद्ध जल के एक अणु का रासायनिक द्रव्यमान 18 ग्राम के बराबर होता है। इसके
उसके बाद अगर दो हाइड्रोजन के बीच एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक कोण बनता है। जैसे कि ये दो हाइड्रोजन है और इसके बीच एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो इसके दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक कोण बनता है जिसे बंधन कोण कहते हैं। और प्योर वाटर के लिए ये बंधन कोण का मान 104 डिग्री होता है। क्या होता है? 104 डिग्री होता है। एक ग्राम उबलता हुआ पानी अगर वाष्प बन जाता है तो उसका आयतन सत्रह गुना हो जाता है। क्या? एक ग्राम उबलता हुआ, एक ग्राम या एक मिलीलीटर या एक क्यूबिक सेंटीमीटर उबलता हुआ पानी अगर वाष्प बन जाता है तो उसका आयतन 1760 गुना हो जाता है। शुद्ध जल को हिंदी में अशुद्ध जल और इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और इसका यूज मशीनों के पार्ट्स को साफ करने के लिए या पोंछने के लिए किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा? शुद्ध जल की विशेषताएं, मतलब शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर पानी शुद्ध हो तो उसका अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है जो कि 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है। और शुद्ध जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, उसकी हिमांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, शुद्ध जल की जो मोलरता है 55.5 होती है, और शुद्ध जल के एक अणु का रासायनिक द्रव्यमान 18 ग्राम के बराबर होता है। और अगर दो हाइड्रोजन के बीच ऑक्सीजन आ जाए तो वो दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक कोण बनता है जिसे बंधन कोण कहते हैं। और शुद्ध जल के लिए बंधन कोण का जो मान होता है वो 104 डिग्री होता है। अगर एक ग्राम या एक मिलीलीटर या एक क्यूबिक सेंटीमीटर उबलता हुआ पानी अगर वाष्प बन जाता है तो उनका आयतन 1760 गुना हो जाता है। और शुद्ध जल को हिंदी में अशुद्ध जल और इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और इसका यूज मशीनों के पार्ट्स को साफ करने के लिए या पोंछने के लिए किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और बहुत सारा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।